आतंकी संगठन हमास के हमले के कारण इजराइल में अब तक करीब 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इतना ही नहीं, हमास के आतंकियों ने करीब 100 लोगों को बंधक भी बना रखा है। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं पर अत्याचार के दिल को चीर देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया आतंक के इस तांडव को देख कर सन्न है, वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ लोग इस क्रूरता के सपोर्ट में उतर आए हैं, उनके समर्थन में खुलकर बोल और लिख रहे हैं। और ऐसा ही कुछ राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव मोहम्मद शान भी करते नजर आए हैं। कांग्रेस के युवा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं, ऐ फिलिस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हें सलाम करते हैं। इस ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते सियासी हलचल इतनी बढ़ गई कि नेताओं की ओर से इस मामले को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी आनी शुरू हो गई। वहीं इस पूरे मामले ने तब ज्यादा तूल पकड़ा जब बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने युवा कांग्रेस नेता पर हमला बोल दिया। बग्गा ने एक्स पर लिखा कि अपना असली चेहरा दिखाने के लिए हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम हो आतंकवाद की औलाद, ये ऐलान करते हैं। वहीं बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने भी हमास का समर्थन करने वालों को आड़े हाथों लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।